Hi everyone, this is Mala Singh and you just warm welcome you again on this channel. कैसे हो आप सब? And हो गई preparation अभी कि नहीं? अभी भी कुछ बाकी है? I think हो गई होगी अगर सारी videos आप देख रहे हो day one से, तो जैसे मैं upload करी हूँ वैसे आप देख लेते हो, तो I'm sure कुछ ना कुछ तो आप बना ही लोगे, है ना? तो डोंट वरी, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा. बस फोकस रहना अपने मॉडल के ऊपर, इधर उधर ध्यान मत देना, वरना आप डिस्ट्रैक्ट ही होगे और डिमोटिवेट भी हो सकते हो. सो बस अपने पे ध्यान देना और जो आप बना रहे हो वही बेस्ट है, बस ऐसा समझ के बनाना. ओके, सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू राइट अप वाला पार्ट, जहाँ पे आपको राइट अप लिखना होता है, तो वो किस तरीके से लिखना चाहिए, किस तरीके से पॉइंटर्स ऐड करने चाहिए, वो सब कुछ मैं बताऊंगी. तो मेक श्योर ये वीडियो एंड तक देखना एंड शेयर भी करना उनके साथ जो स्टक है कि राइट अप किस तरीके से लिखूं और किस तरीके से नहीं, तो उनके साथ शेयर कर सकते हो. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. सो फर्स्ट पॉइंट है आपका, जब आपको राइटअप का शीट मिलता है तो उसमें 150 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना होता है, और 50 वर्ड्स में वो आपको बता देंगे कितने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना होता है. मोस्टली 150 वर्ड्स में आता है डिस्क्राइब करना. सो जो फर्स्ट पॉइंट आपको उसमें लिखना चाहिए वो उसको एक नेम देना चाहिए अपने मॉडल को आपको. सेकंड पॉइंट है आपका क्वेश्चन, व्हाई शुड यू सेलेक्ट दैट क्वेश्चन और दिस क्वेश्चन, आपको एक्सप्लेन करना है उसमें. ओके, कि मैंने ये क्वेश्चन इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि, ये सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका इंस्पिरेशन, आपने किस चीज से इंस्पायर होकर अपना मॉडल, अपना प्रोडक्ट, अपना जो भी आपने क्रिएट किया, किस चीज से इंस्पिरेशन लिया. तो मे बी वो क्वेश्चन में दे सकते हैं किस चीज से इंस्पिरेशन लेना है, और नहीं भी दे सकते हैं. तो अगर नहीं देना तो आपको खुद इंस्पिरेशन लेके वो प्रोडक्ट बना देना, एंड आपको बहुत अच्छे से लिखना है इंस्पिरेशन वाले पार्ट को. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका टेक्निक्स, जो हमने थर्ड क्लास में किया था और टेक्निक है चार्ट पेपर, तो वो टेक्निक आपको यूज करना है. फैन फोल्डिंग टेक्निक को आप ड्रेसेस बनाने में यूज कर सकते हो, टैप टेक्निक को आप इंटीरियर में यूज कर सकते हो. सो आप बताओगे कि मैंने एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट, मैंने एक चेयर बनाने के लिए या मैंने एक फ्लोर बनाने के लिए टैप टेक्निक का यूज किया है. ओके, तो टेक्निक को डिस्क्राइब करोगे अपने राइटअप में, तो राइटअप और भी स्ट्रांग होगा. आपको पॉइंटर्स लिखने हैं, शार्प पॉइंटर्स. आपको कोई भी कहानियां नहीं बनानी, ठीक है, आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना है. थीम इज काइंड ऑफ इंस्पिरेशन, जो शीट के कलर्स मिले आपको, तो हो सकता है कुछ ऐसे कलर्स मिले, आपने कलर साइकोलॉजी कलर थ्योरी तो पढ़ा है ना, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो अपने शीट के कलर्स को, कि आपने वही शीट या वही कलर क्यों सेलेक्ट किया वो प्रोडक्ट बनाने के लिए, और ओवरऑल आपका थीम क्या है आपके क्वेश्चन का. सो नेक्स्ट पॉइंट आपका मटेरियल डिस्क्राइब करना, तो मटेरियल जो भी आपको मिले, चाहे वो टूथपिक मिले, थर्माकोल बॉल्स मिले, चाहे वो आइसक्रीम स्टिक मिले, कुछ भी मटेरियल मिले उसको डिस्क्राइब करोगे. अगर आइसक्रीम स्टिक मिले तो आइसक्रीम स्टिक को आपने कौन सा प्रोडक्ट बनाने में यूज किया आपने राइटअप में जरूर बताओगे. ठीक है, इससे क्या होगा ना, आपका ओवरऑल राइटअप में सब कुछ मेंशन होगा, जो जो हमको चाहिए, जो जो एग्जामिनर को चाहिए कि आप बताओ उनको, वो सब कुछ आप बता दोगे उसमें, और कम टाइम में बहुत ज्यादा वर्ड्स में और बहुत अच्छे राइटअप के साथ. ओके, सो ये था एक प्रॉपर राइटअप लिखने का तरीका. आई होप ये आपको समझ में आया होगा. जो भी पॉइंट्स मैंने बताया मेरे साथ, तो आप नोट कर लेना, सो दैट कि आप एग्जाम में पॉइंट्स मिस ना करो. पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू शुड रिमेंबर दोज पॉइंट्स इन योर एग्जाम ऑल्सो. तो अच्छे से इनको माइंड में उठा लो. आई थिंक दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर राइटअप वाला पार्ट. तो अगर अभी आपने एक दो प्रोडक्ट अपने पहले से जो बना रखा है मॉडल्स, उसके राइटअप लिख के एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो. ओके, पेपर से पहले. सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप दिस वीडियो हेल्प यू गाइज इन योर मेन एग्जाम सिचुएशन टेस्ट में, और बहुत अच्छे से परफॉर्म करना, और बहुत कामली बहुत पीस तरीके से जाना, बहुत ही ज़्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है, हैंड कट हो सकते हैं. तो जो जो प्रोडक्ट आपको लेके जाने हैं सब बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे लोग बता रहे हैं, तो आप उनको जाके देख सकते हो, सब सही बताते हैं, कुछ गलत नहीं होता है. उसके अलावा मैं बता देती हूँ एक चीज़ जो आपको लेके जाना, वो बैंडेज. आप पैनिक बहुत ज़्यादा कर जाते हो तो आपके हैंड कट हो जाते हैं, खून देखे और भी ज़्यादा आप वो हो सकते हो, नर्वस और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो सकती है. सो एक बैंडेज लेके जाना, अगर कहीं पर कट लग जाता है तो वो सब छोड़ो, कट लग गया और बैंडेज लगाओ, फिर से कट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता किसी के पास. ओके, कि आपकी कोई बगल वाला भी हेल्प करे, सब अपने में लगे होते हैं. ओके, आई होप दिस वीडियो हेल्प यू गाइस. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड अच्छे से एग्जाम देना. आई नो यू विल रॉक. ओके, अगर आप नहीं कर सकते तो कौन करेगा यार. आप अच्छे से परफॉर्म करना और बहुत अच्छे से एग्जाम देना. ऑल द बेस्ट गाइस, एंटर.